मेरे तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को, साथियों को अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई महर गुलजार अहमद एडवोकेट। नाज़रीन कराम, अब तक की एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि हर दिल अज़ीज़ शख्स, मासूम शख्स अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह को किस कदर हैरानगी है, किस कदर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। ज़िले शाह का वालिद पूरी रात थाने में बैठा रहा, लेकिन उस शख्स की, ज़िले शाह के वालिद लियाकत अली की, किसी ने भी ना सुनी और वो FIR तक ना कटवा सका। अब ज़िले शाह के वालिद लियाकत अली का एक बयान सामने आया है कि मैं टेंशन में था, जो एप्लीकेशन दी थी वो टेंशन में लिखी थी, मैं एनी शाहिद नहीं हूँ, मैं IG पुलिस, DIG पुलिस और SHO को अपने मुकदमे में शामिल नहीं करना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने ज़िले शाह पर तशद्दुद किया है उन्हें सामने लेकर आया जाए और हो सकता है मैं उन्हें माफ़ भी कर दूँ। नाज़रीन कराम, आपको पता होगा कि ज़िले शाह का जब कत्ल हुआ था उसे अगले रोज़ ही उसके वालिद को उसके घर से अगवा कर लिया गया था, और अगवा के बाद अब उसने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि मैं किसी भी शख्स को ज़िले शाह का कसूरवार नहीं समझता। नाज़रीन कराम, अब CCTV फुटेज के मुताबिक जो दो अफराद ज़िले शाह को काली गाड़ी में लेकर आए थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो पुलिस की हिरासत में है, और उन दो अफराद ने बयान दिया है पुलिस को कि ज़िले शाह का कत्ल नहीं हुआ बल्कि एक एक्सीडेंट की वजह से ज़िले शाह की हलाकत हुई है। अफसोस का मकाम है कि ज़िले शाह को इंसाफ कौन देगा, उसका वालिद किसकी तरफ देखे। अब तो उसके वालिद के बयान से नज़र आ रहा है वो कितना मुस्तरिब होगा और कितना ही इस कानून से, काले कानून से वो इंसाफ की उम्मीद रखता होगा। ज़िले शाह के वालिद का अगवा हो जाना और उसके बाद उसका एक मशकूक बयान हमें काफ़ी कुछ समझने पर मजबूर कर देता है कि हमारी आने वाली नस्लों का क्या बनेगा। यहाँ तो माइट इज़ राइट का कानून है, यानी जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। मैंने ज़िले शाह की वीडियोस देखी हैं, कितना ही भले मानस और मासूम शख्स था, ऐसे शख्स की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है या ऐसे शख्स किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी अफसोस के ज़िले शाह का कत्ल कर दिया गया। मैं इंतहाई रंजीदा हूँ, अल्लाह पाक ज़िले शाह की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन।